आज की इस परिचर्चा में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। और आज का ये जो विषय है वो उससे अति परिचय होने के कारण वो सामान्य रूप से कभी भी सेमिनार्स का, एकेडमिक डिस्कशंस का वो हिस्सा नहीं बनता, लेकिन आम बातचीत के दौरान हम इस विषय पे अक्सर बात करते हैं। या यूं कह लीजिए कि जब हम अपने किसी से भी हमारी मुलाकात होती है, मित्र से, संबंधियों से, तो जो कोई भी चर्चा होती है वो सारी की सारी इसी जीवन के शब्द के इर्द गिर्द होती है। लेकिन वो जीवन के पक्षों के इर्द गिर्द होती है, वो जीवन पे नहीं होती। जो हम चर्चा करते हैं वो जीवन के पक्षों पे होती है। और जीवन वस्तुतः अपने आप में क्या है उस पर ये चर्चा नहीं हो पाती, और उसको इस तरह से किसी वेबिनार का हिस्सा बनाना, विचार का हिस्सा बनाना थोड़ा सा अपने आप में एक अजीब सी स्थिति को उत्पन्न करता है, क्योंकि इस पर आपको सीधे सीधे ना तो कोई पुस्तकें मिलने वाली हैं, जो भी पुस्तकें मिलेंगी, जो भी कोटेशंस मिलेंगे, जो भी ऑथर्स मिलेंगे, विचारक मिलेंगे, वो सारे के सारे जीवन के पक्ष के ऊपर बात करेंगे। जीवन को उत्साहपूर्ण रूप से कैसे जीना है, जीवन में संघर्ष कैसे करना है, क्या करना है, मोटिवेशनल स्पीकर्स मिलेंगे, लेकिन कोई ये नहीं बताएगा कि वस्तुतः जीवन क्या है। तो इन्हीं सारे विषयों को हम ध्यान में रख करके प्रयास करते हैं कि इस सारे विषय को हम कैसे अप्रोच करें, कैसे समझें, कैसे देखें, और उसमें क्या भारतीय जीवन दृष्टि और जो वेस्ट के जो दृष्टि है, जीवन दृष्टि, वो किस तरह से, किन अर्थों में भिन्न है, या दोनों की बात एक ही है। तो जितनी मेरी जानकारी उपलब्ध है वो मैं आपके साथ साझा करता हूँ, और उसके बाद आप अपनी जो राय है, अपनी स्वीकृति, अस्वीकृति, टिप्पणियां, जो भी आप चाहें वो इस हमारे साथ साझा कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, मेरी आवाज स्पष्ट है ना? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, क्योंकि वो बीच बीच में कभी कट जाती है तो कृपया वो देख लीजिएगा, बता देना। तो सीधा विषय के ऊपर अग्रसर हम होते हैं कि जीवन के प्रत्यय शब्द, यहाँ पे आइडिया के लिए प्रत्यय शब्द जो है वो टेक्निकली हम इस्तेमाल करते हैं, नहीं तो सामान्य भाषा में हम आइडिया का मतलब ख्याल, विचार, इस तरह का कर देते हैं, लेकिन तकनीकी दृष्टि से उसके लिए जो शब्द प्रयोग किया जाता है वो प्रत्यय। और जब आप प्लेटो और एरिस्टोटल में आइडियाज की बात करते हैं तो उनके हिंदी अनुवाद आपको प्रत्यय मिलेंगे, वो विचार नहीं मिलेंगे। तो प्रत्यय अपने आप में एक शब्द है जो उस को निश्चित प्रकृति देता है जो भारतीय संदर्भ में है। तो आइडिया को वेगनेस नहीं होता है, आइडिया अपने आप में एक पूरा एक उसके पूरा एक उसका प्रारूप होता है, और उसी के लिए जो है उचित जो अनुवाद किया गया है वो प्रत्यय है। अब आप इस स्क्रीन के ऊपर देखें नीचे की ओर, तो सबसे पहले हम जीवन के बारे में जैसे ही चर्चा होती है और हर किसी का रिस्पांस एक जैसा ही होता है, जो आप अपनी स्क्रीन के बिल्कुल नीचे देख सकते हैं, एकम जीवनम एक अवसरा, कि एक ही जीवन है, एक ही अवसर है, कि एक बार ही जीने को मिलेगा और एक ही अवसर है। लेकिन उस जीवन को आप जीते किससे हैं? अपने शरीर, जब तक आपका देह है तभी तक आपके जीवन की बात है, ये इसकी सीमा है। और उस सीमा के भीतर अगर आप यहाँ थोड़ा सा ऊपर देखें तो आपको दिखाई देगा, एक छोटी सी परिभाषा है कि सुख दुखादि भोगा यत्नम शरीरम। शरीर क्या होता है? सुख और दुख के जो भोग का आयतन है, आधार है, वो शरीर कहलाता है। तो इसका मतलब जीवन की जो सबसे पहली शर्त आपके पास हो गई वो आपका शरीर हो गया, और उसमें जो सुख दुख आदि है वो आपके शरीर में होते हैं और वो आप अनुभव करते हैं। लेकिन साथ ही हमें ये ध्यान रखना होगा कि सुख और दुख ही जीवन नहीं है, वो सुख और दुख जीवन के वो पक्ष हैं जो आप शरीर के माध्यम से अनुभव करते हैं। तो जीवन थोड़ा सा कुछ और होगा जिसको आगे चल के हम देखेंगे। अब आप अपनी भारतीय संस्कृति के पक्ष से आप देखें तो हर कोई ये बताता है कि जीवन के 6 पक्ष होते हैं। जब आप जीवन की बात करते हैं तो उसके 6 स्थितियां होती हैं। कौन कौन सी? अस्थि, जिसको आप एग्जिस्टेंस कहते हैं, फिर वो जायते, उसका बर्थ होता है, फिर
फिर वो वर्धते जिसका मतलब ग्रोथ है, विपरिणमते चेंजेस आती है, और अपक्षीयते फिर वो धीरे धीरे डिके होने लगता है, और फिर अंतिम सीमा जो है वो डेथ जिसे विनश्यति कहते हैं। तो ये शास्त्र सम्मत जो है हर किसी के जीवन का, जिसमें शरीर मन बुद्धि सब कुछ सम्मिलित है, वो ये स्थितियां हैं। तो छह इसमें ये आप विकार देख सकते हैं, विकार कह लीजिए या आप यूं कह लीजिए कि ये आपकी छह, इन छह स्टेजेस से हर किसी को निकलना पड़ता है, यही जीवन के सीमा है और यही इसका दायरा है। लेकिन अब इसके बीच में जो हम जिस बात से कभी प्रसन्न होते हैं, कभी उत्साह में आते हैं, कभी तनाव में आते हैं, तो वो है कि आइडिया ऑफ लाइफ क्या है, कि मेरा प्रत्यय क्या है जीवन को लेकर के, कि मैं क्या समझता हूँ जीवन को। एक और ये दो चित्र इसलिए लगाए हैं यहाँ पे ताकि एक हम सामान्य रूप से बात कर सकें, सोसाइटी के लेवल पे बात कर सकें कि सोसाइटी में आइडिया ऑफ लाइफ की जब हम बात करते हैं तो उसका क्या अर्थ होता है, और दूसरा माई आइडिया ऑफ लाइफ क्या है, कि जब हम अपने ही घर में रहते हुए अपनी ही इच्छा से जब नहीं जी पाते तो फिर हम उस वक्त माई आइडिया ऑफ लाइफ जो कह रहे होते हैं, या अपने ही तरीके से हम जी रहे होते हैं, अपने पर जहां जॉब्स कर रहे हैं, नौकरियां कर रहे हैं, जहां जहां भी स्थान हमारे हैं वहां पर हम किस तरह से जीना चाहते हैं। तो ये शब्द जो है इसको हम थोड़ा सा आगे चल के देखने और समझने की कोशिश करेंगे। अब ये आप लोगों ने पहले ही पढ़ लिया होगा अपने जो मैंने आप लोगों के पास इसको करने का आयोजित करने का, इस चर्चा को आयोजित करने का जो विषय भेजा था, लेकिन फिर भी उसमें थोड़ा सा स्पष्ट करने के लिए मैं आपको उसमें से दो तीन लाइनें पढ़ देता हूं, क्योंकि उसमें जब हम आइडिया ऑफ लाइफ की बात करते हैं तो हमें इस बात से उसका अंदाजा करना पड़ता है कि जैसे कि हम अक्सर कहते हैं ही और शी लिव्ड हिज लाइफ फुली वेल, तो यहाँ इस लाइफ का क्या तात्पर्य है, कम से कम बायोलॉजिकल लाइफ तो क्या होगा उसमें। आई वॉन्ट टू लिव माई लाइफ माई वे, लाइफ हैज बिट्रेड मी, लाइफ डिडंट गिव मी अ चांस टू लिव, आई अर्न सो मच बट समहाउ आई मिस्ड लाइफ, और सो ऑन। इस तरह के वाक्य हम अक्सर प्रयोग करते हैं, और हिंदी के अनुवादों में आप जानते ही हैं हम अपनी सामान्य भाषा में। लेकिन जो महत्वपूर्ण बात है वो नीचे की ओर देखिए, डू यू थिंक यू नो द आइडिया ऑफ लाइफ। जी हम सभी रहे हैं, सांस ले रहे हैं, हमारा दिमाग भी चल रहा है, बुद्धि भी चल रही है, खाना पीना भी चल रहा है, बट डू वी हैव एनी आइडिया ऑफ लाइफ। वेल यू कैन अप्रोच दिस इशू राइट फ्रॉम बायोलॉजिकल एस्पेक्ट टू स्पिरिचुअल एस्पेक्ट, बट फर्स्ट लेट अस टच द लिमिट्स ऑफ अवर रैशनैलिटी इंटेलेक्ट। और आप जो है यू मे रेफर टू कोटेशंस ऑफ ग्रेट ऑथर्स सेंट्स, बट इशू इज व्हाट इज द आइडिया ऑफ लाइफ। So, हम इसको देखने की कोशिश करते हैं, और मैं वो कोटेशंस भी आपके साथ कुछ एक साझी करूंगा जो इस बात को बताने की कोशिश करती हैं कि जीवन क्या हो सकता है, और आप देखेंगे कि वो जीवन नहीं है, वो जीवन को लेकर के कही गई बातें हैं। कुछ प्रश्न और देख लेते हैं ताकि हमें जब हम विषय की ओर अग्रसर हों तो हमें ये स्पष्ट हो कि हमने क्या बात करनी है और किस विषय को हमने छोड़ना है। तो इस जीवन के संदर्भ में कई प्रश्न हम उपस्थित कर सकते हैं, जीवन के प्रत्यय के संदर्भ में, कि जीवन का क्या अर्थ है, ये सब किसके बारे में है, हम कौन है, हम यहाँ क्यों है, हम यहाँ क्या कर रहे हैं, जीवन की उत्पत्ति क्या है, जीवन का स्वरूप क्या है, वास्तविकता की प्रकृति क्या है, जीवन का उद्देश्य क्या है। अक्सर हम जितनी बड़े बड़े लोगों की बातें सुनते हैं वो कोई ना कोई उद्देश्य आपको बता देता है कि दिस इज योर पर्पस ऑफ लाइफ, किसी के जीवन का उद्देश्य क्या है, जीवन का महत्व क्या है, जीवन में सार्थक और मूल्यवान क्या है, जीवन का मूल्य क्या है, जीने का कारण क्या है, हम किस लिए जी रहे हैं। अब इन प्रश्नों के परिणाम स्वरूप वैज्ञानिक सिद्धांतों से लेकर दार्शनिक, धार्मिक और आध्यात्मिक व्याख्याओं तक प्रतिस्पर्धी उत्तरों और व्याख्याओं की एक विस्तृत श्रृंखला की हम चर्चा कर सकते हैं, जो कि अक्सर हम करेंगे, इसलिए हमें सावधान रह करके इस विषय को अग्रसर करना है। हम इस चीज में ना चले जाएं कि हम कोई कोटेशंस ये देने लगे, मोटिवेशनल कोटेशंस देने लगे, या हम डिप्रेशंस की बातें करने लगे, कुछ और इस तरह की बातें ना करें। तो इस विषय को अब थोड़ा सा और अग्रसर करते हैं, जब हमारे पास इतने सारे प्रश्न हो गए हैं और हमें ये समझ में आ रहा है कि जीवन का जो प्रत्यय है और जीवन के जो बाकी पक्ष हैं उनसे हमारा क्या तात्पर्य।
देखिए यहाँ पे एक आजकल बड़े एक पॉपुलर संत हैं और बड़े रैशनलिस्ट हैं, मैं उनको उनकी बौद्धिकता को पूरी पूरी तरह प्रणाम भी करता हूँ, स्वीकार करता हूँ। उनका अपना एक विचार उनका मुझे मिला ऐसे पढ़ते पढ़ते, योर आइडियाज ऑफ गुड एंड बैड आर जस्ट सर्टेन लेवल ऑफ प्रेजुडिस अगेंस्ट लाइफ। तो ये उन्होंने हमारे लिए थोड़ी सी बात और आसान कर दी कि अगर हम ये सोचने लगे कि हमारे लिए ये अच्छा और बुरा है तो ये जीवन के साथ आप हिंसा कर रहे हैं, आप जीवन के विषय में ये बात नहीं कर रहे, जीवन के बारे में बात करें, जीवन की बात नहीं है वो। अब इस बात को थोड़ा सा मैं आपको दो चार मिनट लेके स्पष्ट करना चाहूंगा कि ये जो आप चित्र देख रहे हैं यहाँ पे ग्राफिक्स, इनका क्या तात्पर्य है। अब आइडिया ऑफ लाइफ की जब आप बात करते हैं तो उसको आपको तीन पक्षों से समझना होगा। पहला पक्ष क्या है, आपका डूअर का पक्ष है कि आप कर क्या रहे हैं, कर्ता जिसे आप कहते हैं, यानी कि आपके जीवन का क्रिया पक्ष। मैं ये नहीं कह रहा, कोई पिन पॉइंट नहीं कर रहा, मैं केवल उन डायमेंशंस को इकट्ठा करने की कोशिश कर रहा हूं जिससे कि हम आइडिया ऑफ लाइफ को समझ सके। दूसरा आपका ये जो नीचे की ओर देख रहे हैं ये है एंजॉयर यानी कि भोक्ता, जिसमें आपका भावना पक्ष होता है, जिसमें संतुष्टि और ये बातें होती हैं। और तीसरा इसका एक पक्ष और होता है जिसे आप नोअर कहते हैं, ज्ञाता, यानी कि ज्ञान पक्ष की आप जानते क्या हैं जीवन के बारे में। तो ये थ्री डायमेंशनल आइडिया ऑफ लाइफ मुझे लगता है होगा, मेरे से आप सहमत हो सकते हैं असहमत हो सकते हैं, जैसे आपका इस सारे विषय में विचार हो। अब ये थ्री डायमेंशनल जो है ये फर्दर जो है वो उसकी कंडीशनिंग हो जाती है। वो कंडीशनिंग क्या है कि या तो आपने उसके बारे में एक पर्टिकुलर एंगल से सुना हुआ होता है, एवं मया श्रुतम, ये यहाँ पे आप संस्कृत की पंक्ति देख रहे हैं जिसका मतलब है दिस इज हाउ आई हैव हर्ड अबाउट लाइफ। आपने लोगों से, पत्रकारों से, कवियों से, लेखकों से ये सारी बातें सुनी हुई होती हैं, या फिर दूसरी तरफ आपने जीवन के यथार्थ अनुभवों को देखा होता है जिसे कहते हैं एवं मया दृष्टम, कि दिस इज हाउ आई हैव सीन द लाइफ, ठीक है ना, कहीं कोई दुर्घटनाएं देखी, कहीं कोई सुखद घटनाएं देखी, इस तरह से। लेकिन उसमें जो महत्वपूर्ण बात है वो है दिस इज हाउ एवं, कि एक पर्टिकुलर एंगल से। और इन दोनों पक्षों के साथ आपके जो ज्ञान है वो क्या निश्चित हो जाता है एक पर्टिकुलर एंगल से, जिसे कहते हैं एवं मया ज्ञातम, दिस इज हाउ आई हैव नोन अबाउट लाइफ। तो आप अपनी एक धारणा बना लेते हैं कि जीवन ऐसा होता है, अच्छा होता है, बुरा होता है, पता नहीं कैसा होता है, असंतुष्टि वाला होता है, संतुष्टि वाला होता है। अब इससे आगे थोड़ा सा और चलें कि इस सारे जीवन की आइडिया ऑफ लाइफ को समझने के लिए, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि कम से कम मेरी बुद्धि इतनी विकसित है कि मैं एक साथ उसके सारे पक्षों को देख सकूं, तो उसके तीन पक्षों से मुझे उसको अप्रोच करना होगा। पहला पक्ष उसका क्या है, पार्थिव पक्ष। पार्थिव पक्ष का मतलब है कि वो जीवन का वो भाग जो मेरे रोजमर्रा के जीवन में चलता है, यानी कि किचन से लेकर के बेडरूम से होते हुए मार्केट तक और मार्केट से आगे जहां कहीं भी मैं जाता हूं, तो रोजमर्रा के जीवन में को मैं जैसे देखता हूं दैनंदिन व्यवहार में, एक तो वो पक्ष उसका है। शाश्वत पक्ष का मतलब है कि कुछ चीजें ऐसी हैं जो पीछे से चली आ रही हैं और वो स्टिल कंटिन्यू कर रही हैं एंड दैट विल बी कैरिड फॉरवर्ड टू, और वो आगे भी चलेंगे, तो वो शाश्वत इस अर्थ में है कि कंटिन्यूटी के अर्थ में है। शाश्वत का मतलब ये मत समझिएगा कि वो कोई फिक्स्ड चीज है, वो कंटिन्यूअसली चला आ रहा है, जैसे मेरे डीएनए है वो हजारों साल से चले आ रहे हैं और वो फर्दर आगे भी चलते चलेंगे जीवन की प्रक्रिया में, तो वो उसका शाश्वत पक्ष है। तो उसमें कई विचार, उसमें कई तरह के व्यवहार, कई तरह की मनोवृत्तियां आदि आदि वो सारी सम्मिलित हो जाती हैं। तीसरा जो इसका पक्ष है, मुझे जब जीवन के धागों को पकड़ना होगा तो वो उसका है चिन्मय पक्ष। चिन्मय पक्ष का मतलब है कि कुछ एक सर्टेन वैल्यू सिस्टम्स हैं जिसके आधार पर मैं अपने जीवन को जीने की कोशिश करता हूं। वो चाहे आप कह सकते हैं कि वो एक फ्रीडम का एस्पेक्ट है, जैसे कि वेस्ट में लेकर के आए कि भाई मैं आई वॉन्ट टू लिव माई फ्रीडम, कि मैं अपनी फ्रीडम के साथ जीना चाहता हूँ, इस तरह के बहुत सारे वैल्यूज हैं। आप सेवा करके भी जीना चाहते हैं, बहुत सारे आपको ऐसे उदाहरण मिल जाएंगे। तो कोई भी वो मूल्य है जो आपके जीवन की एक पक्षों को, विभिन्न पक्षों को, दायरों को, आयामों को निश्चित करता है। तो ये तीन पक्षों से, पार्थिव पक्ष, शाश्वत पक्ष और चिन्मय पक्ष से आपको समझना होगा बुद्धि की व्यापकता को।
क्योंकि बुद्धि उतनी व्यापक होती नहीं है, इसलिए इन तीन हिस्सों में बांट करके हम जीवन को, जीवन के आइडिया को अप्रोच करेंगे। अब इसके बाद आप जब थोड़ा सा और व्यापक हो जाते हैं और देखने लगते हैं कि पश्चिम का स्थान, पश्चिम की दृष्टि क्या है जीवन, आइडिया ऑफ लाइफ को लेकर के, और हम भारतीय की क्या, भारतीयों की दृष्टि क्या है, तो जब आप उधर की ओर देखते हैं, वेस्ट की ओर, तो कम से कम मुझे जिस तरह से समझ में आता है या दिखाई देता है, मैं ये नहीं कहता कि मैं इसको मानता हूं, क्योंकि इसमें सुधार की गुंजाइश है, संस्कार की गुंजाइश रहती है, हमेशा स्थान रहता है। तो सारा का सारा जो वेस्टर्न पर्सपेक्टिव है वो सर्वाइवल पे बेस्ड है, यानी कि अवस्थान, संस्कृत का इसके शब्द जब आप अनुवाद करेंगे तो अवस्थान है, कि किसी तरह से आप सर्वाइव करना चाहते हैं, क्योंकि वहां नेचर वरी हार्श है, वहां पर स्ट्रगल्स बहुत ज्यादा है। तो उस सर्वाइवल के दो पक्ष हैं, वो भी टू डायमेंशनल है लाइफ, आइडिया ऑफ लाइफ को समझने के लिए। एक तो है कि वो आदिम भय, प्राइमोर्डियल फियर, कि किस तरह से हम उस भय से बचें। अब वो मृत्यु का भय भी हो सकता है, क्योंकि हम में से हर कोई प्रतिक्षण, हर क्षण जो है वो मृत्यु की ओर अग्रसर है। और दूसरा जो उसका पक्ष है वो है प्राइमोर्डियल हंगर। और जहां तक जितने कि मैंने अंग्रेजी के नॉवेल्स पढ़े हैं और उसको उनका अनुसरण करने वाले हिंदी और हिंदी के उपन्यासों और अन्य चीजों को देखा है, तो उसमें यही दो पक्ष ज्यादातर दिखाई देते हैं, जिसमें एक भय है और दूसरा बुभुक्षा, भूख को लेकर के आपके उपन्यास और उससे बनने वाले जितने तामझाम हैं, जितने जाल बनते हैं, अंतर जाल बनते हैं, उनको लेकर के वो सारा का सारा साहित्य लिखा जाता है। और इसके कुछ एक उदाहरण मैं आपके साथ बहुत संक्षेप में अगले 2-3 मिनट में सांझे करूंगा कि अंग्रेजी, हिंदी और उर्दू में वो पर्सपेक्टिव, किस तरह का पर्सपेक्टिव हमें वहां पे दिखाई देता है। लेकिन इसके विपरीत जब हम इस भारतीय पक्ष के ऊपर आते हैं, भारतीय दृष्टिकोण से देखते हैं, तो हमारे, क्योंकि यहाँ पर एबंडेंस से हर चीज शुरू हुई है, प्रकृति आपके अनुकूल है, प्रकृति आपको सब कुछ उपलब्ध करा रही है, आपको उस तरह के सर्वाइवल के प्रश्नों को हैंडल नहीं करना पड़ता, तो आप यहाँ से कब, कहाँ से शुरू करते हैं, सेंस ऑफ इंक्वायरी, जिज्ञासा बोध। आप प्राचीनतम से प्राचीनतम ग्रंथ को उठा करके देखेंगे तो आपको सेंस ऑफ इंक्वायरी से शुरुआत मिलेगी कि कौन था, कहाँ से आया, कैसे हुआ, सृष्टि कैसे बनी। कोई ये नहीं कहेगा कि मैं जीऊं कैसे, मैं कैसे जीना चाहता था। तो ये एक सेंस ऑफ इंक्वायरी से वो शुरू होते हैं और उसकी जो ट्रांसफॉर्मेशन होती है वो है एस्थेटिक लिविंग। ये जितना, जिसे आप कहते हैं कि आपने अपने रिचुअल्स डेवलप किए हैं, वो सारे के सारे क्या हैं, बेसिकली आपके सौंदर्यपरक जीवन जीने के तरीके हैं, कि किस तरह से अहिंसा के रूप में आप जिए, किस तरह से आप सृष्टि से जो ले रहे हैं वो सृष्टि को वापस भी करें, किस तरह से एक मनुष्य को आप स्वीकार करें, आदि आदि बहुत सारे पक्ष इसके हैं, उस विस्तार में मैं नहीं जा रहा। तो ये एक मूलभूत अंतर है जो वेस्टर्न पर्सपेक्टिव है और आइडिया ऑफ लाइफ को लेकर के, और जो भारतीय परिप्रेक्ष्य है जीवन के प्रत्यय को लेकर के। तो मुझे लगता है कि अगर ये बात हम थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे तो अगली सारी बातों को आप ठीक ठीक देख पाएंगे कि किस तरह से वो एक दूसरे से अलग हैं। ये वेस्ट का एक ब्रीफिंग है कि वेस्ट में आइडिया ऑफ लाइफ जो है, वो मीनिंग ऑफ लाइफ, वो किस तरह से वो लोग देखते हैं। आप ये देखिए, यहां पर आपको मिलेंगे लर्न मोर, ये जितने फिलोसफिकल स्कूल हुए हैं ये उनकी एक तरह की समरी है कि उनके लिए लाइफ का मतलब क्या है, लर्न मोर। जो एरिस्टोटलियनिज्म है वो है टू बी गुड, और जो सिनिसिज्म है बी सेल्फ सफिशिएंट, और हेडोनिज्म हैव प्लेजर नाउ, एपिक्यूरियनिज्म है फ्री योरसेल्फ फ्रॉम पेन, और जो स्टोइसिज्म है बी लॉजिकल डोंट सफर। ये सारे आपको दिखाई देंगे, ये सारे पढ़ने का मेरा कोई औचित्य नहीं है, लेकिन आप अगर चाहें तो मैं आपकी, आप लोगों के साथ इस स्लाइड को शेयर कर सकता हूं। लेकिन आप ये देखिए कि क्लासिकल लिबरलिज्म में है डिफेंड इंडिविजुअल लिबर्टी, ये एक तरह का सार है, एसेंस है इन फिलोसफीज का, जो लाइफ को डिफाइन करने के प्रयास करते हैं। तो कांटिनिज्म जो है डू एज यू हैव अदर्स, यू डू, यू डिड हैव अदर्स डू योर ड्यूटी, एक तरह से। और निहिलिज्म है डू एनीथिंग, लाइफ हैज नो मीनिंग, जिस तरह से।
तो इस तरह के ये सारे के सारे हैं, क्योंकि सारा बताने में टाइम लग जाएगा, मैं वो नहीं चाहता, क्योंकि अभी 2-3 स्लाइड्स हैं और हैं जो मैं चाहता हूं आप लोगों के साथ शेयर करना। इसको थोड़ा सा हल्का फुल्का बनाने के लिए भी मैंने इस बात को समझने की कोशिश की। आप इन कार्टून्स में देखिए कि किस तरह के वहां पे कार्टून्स पब्लिश होते हैं और क्या हम कहना चाहते हैं और हमारे जीवन की स्थिति क्या है, हम कैसे आइडिया ऑफ लाइफ की बात करें। लाइफ इज नॉट मेजर्ड बाय नंबर ऑफ ब्रेथ्स यू टेक बट बाय द मूवमेंट्स दैट टेक योर ब्रेथ अवे। ये उनके एक तरह का है। डिसरिगार्ड दिस बेलोनी इफ यू आर एस्थमेटिक। और आप इस तथ्य को नकार सकते हैं यदि यदि आपको अस्थमा है तो ये जो ब्रेथ वाला है सिस्टम इसको आप छोड़ सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ आप और एक इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन देखें कि जैसे वेस्टर्नर्स हैं, कॉर्पोरेट सेक्टर के लोग हैं, जब वो लाइफ लाइफ की बात करते हैं, आई वॉन्ट टू लिव माई लाइफ, तो वट इज द मीनिंग ऑफ लाइफ, बट मेक इट क्विक, आई हैव गॉट एन इम्पॉर्टेंट मीटिंग इन हाफ एन आवर। This is how we approach life. इसी तरह से एक दो कार्टून और हैं। I don't know the meaning of life, but it's certain that paying tax is the purpose of life. तो यानी कि आप इन quotations को दिखाने का केवल इतना मतलब है कि हम कहीं ना कहीं life का जो crux है, life का जो essence है, उस को छोड़ जाते हैं और हमारी भाषा हमें बिट्रे कर जाती है जो हम वस्तुतः जानने और समझने की कोशिश कर रहे हैं या जिस लाइफ के पक्ष को हम छूना चाहते हैं। और इसी तरह का ये नीचे का है कि सामान्य रूप से लाइफ क्या है एक कॉर्पोरेट सेक्टर में, स्लीपिंग, वर्किंग, ईटिंग एंड लुकिंग फॉर थिंग्स आई हैड जस्ट मिनट अगो। इनके आप समझ सकते हैं, ये आप देख सकते हैं, कुछ एक कोटेशन है, मैं एक दो ही पढ़ूंगा क्योंकि फिर हम चर्चा ओपन करेंगे। अल्बर्ट आइंस्टाइन सबसे मान्य विद्वान है, वैज्ञानिक है। देयर आर ओनली टू वेज टू लिव योर लाइफ, वन इज एज दो नथिंग इज ए मिरेकल, द अदर इज एज दो एवरीथिंग इज ए मिरेकल। अब आप समझ लीजिए इसमें से क्या अर्थ निकालना चाहते हैं। और जेके रॉलिंग जिनका हैरी पॉटर बहुत पॉपुलर हुआ था, इट डज नॉट डू टू dwell on dreams and forget to live. इसी तरह मार्क ट्वेन पॉपुलर नॉवलिस्ट जो हैं, गुड फ्रेंड्स, गुड बुक्स एंड स्लीपी कॉन्शियंस, दिस इज द आइडियल लाइफ। आप देख लीजिए, अगर आप इतने से संतुष्ट होते हैं तो मार्क ट्वेन से बढ़िया और कौन हो सकता है। एलन सॉन्डर्स कहते हैं, लाइफ इज व्हाट हैपेंस टू अस व्हाइल वी आर मेकिंग अदर प्लान्स। कितनी कमाल की बात है, आप देखिए कि कैसे कैसे ऑब्जर्वेशंस हैं। ये सिर्फ मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूं ताकि हम उस ट्रैप में ना पड़े कि जहां पर हम जो आइडिया ऑफ लाइफ जिसके ऊपर बात करना चाहते हैं वो हम मिस कर जाएं। मैं बेस्ट कहती हैं, यू ओनली लिव वंस बट इफ यू डू इट राइट वंस इज एनफ। ओके, ठीक है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट कहते हैं, इन 3 वर्ड्स आई कैन सम अप एवरीथिंग आई हैव लर्न्ड अबाउट लाइफ, इट गोज ऑन। मतलब आप ये देखिए, ये सारी कोटेशंस दिखाने का केवल इतना ही मतलब है कि क्या ये आपको संतोष देती हैं या ये केवल एक मुहावरों की तरह, एक झंडों की तरह हमें पकड़ा दिए जाते हैं कि ओ दिस इज लाइफ, और कुछ दिनों के बाद हमें लगता है कि यार ये तो बात बनी नहीं, लाइफ इज समथिंग एल्स। हर एक का जीवन का अपना अपना अनुभव है। टू लिव इज द रेयरेस्ट थिंग इन द वर्ल्ड, मोस्ट पीपल एग्जिस्ट दैट इज ऑल, ऑस्कर वाइल्ड ने ये कहा। तो इस तरह से आप ये देख सकते हैं इन कोटेशंस को, मैं थोड़ा सा समय बचाना चाहता हूँ। ये तो चलिए अंग्रेजी की थी, आप हिंदी का भी थोड़ा सा देख लीजिए। हिंदी में जो हमें देखने को मिलता है वो क्या है, जिंदगी ये तो नहीं तुझको संवारा ही ना हो, कुछ ना कुछ हमने तेरा कर्ज उतारा ही ना हो। उर्दू का ये है, मेरा जीवन अगल बगल से धड़क रहा था, अगर मैं उसके पास आया होता तो मैं क्या करता, मेरे सामने बैठो और तुमसे बात करो, मैं एक शब्द नहीं कहता, मैं तुम्हारे नाम से अपना जीवन जीऊंगा। यानी कि इसी तरह की बातें हैं, मेरा तजर्बा है कि इस जिंदगी में परेशानियां ही परेशानियां हैं, बेतअल्लुक जिंदगी अच्छी नहीं, जिंदगी क्या मौत भी अच्छी नहीं। यानी कि ये उर्दू की नुमा जो बातें आ रही हैं, उर्दू में किस तरह से वो आइडिया को लिया जा रहा है। अब इसी तरह से हिंदी की बात ले लें और उसके बाद फिर हम अपनी बात शुरू करते हैं।
जैसे कि हिंदी साहित्य में से ये कुछ एक पंक्तियां हैं, जिंदगी के हाथ नहीं होते लेकिन कभी कभी वो ऐसा थप्पड़ मारती है जो पूरी उम्र याद रहता है। तो क्या कहना चाहते हैं, जीवन को केवल पीछे की तरफ देखकर समझा जा सकता है लेकिन इसे आगे की तरफ जीना चाहिए। अपनी खराब आदतों पर विजय हासिल करने से ज्यादा आनंद इस जीवन में और कुछ नहीं होता। आप देखिए कि सारी कोटेशंस में कहीं ना कहीं हम मिस क्या कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उस आइडिया ऑफ लाइफ को मिस कर रहे हैं। जीवन की कला यह जानना है कि कैसे थोड़ा आनंद लेना है और बहुत कुछ सहना है, यानी कि एक ही साथ आप पॉजिटिविटी नेगेटिविटी दोनों को एक साथ जीना चाहते हैं। जिंदगी की गुणवत्ता काम और दोस्तों और परिवार के बीच एक सही खुशनुमा संतुलन खोजने के बारे में है। चलिए अच्छे है, इस संतुलन को बनाने में सारी उम्र ही निकल सकती है। ये उर्दू की शायरी के कुछ एक चीजें हैं। आप सभी शायरी जानते ही हैं और अपने अपने समय पे हम सभी ने शायरी का भरपूर उपयोग भी किया है। मालूम है कि ख्वाब झूठे हैं और ख्वाहिशें अधूरी हैं, पर जिंदा रहने के लिए कुछ गलत फहमियां भी जरूरी हैं। लेकिन जब आप एक स्वस्थ मन से बैठते हैं और जीवन पे विचार करने के लिए बैठते हैं तो ये इस तरह के जो पंक्तियां हैं, इस तरह के जो शेर हैं, वो आपको किस दिशा में ले जाते हैं और आपके हाथ में वो क्या आपके अनुभव में आते हैं। कुछ ख्वाहिशें अधूरी रहे तो अच्छा है, जिंदगी जीने की जुस्तजू बनी रहती है। जिंदगी उलझाए रखती है गुनाहों में, हमें इतनी फुर्सत ही नहीं देती कि शर्मिंदा भी हो। कितनी अजीब बातें हैं शायर। ठीक है, मैं इसको अगर सिर्फ लिटरेचर के एंगल से देखूं तो निश्चित रूप से मैं इसको प्रशंसा करूंगा कि वाह बहुत खूब बात लिखी, लेकिन उससे मेरे जीवन की समझ क्या आई, मैं जीवन को क्या छू पाया उससे। जी रहे हैं तेरी शर्तों के मुताबिक है जिंदगी, दौर आएगा कभी हमारी फरमाइशों का भी। तो ये सारी चीजें हैं। तो कुल मिलाकर के ये मैंने आप लोगों के साथ लगभग 20 मिनट का ये एक वक्तव्य साझा किया है कि इतना तो हम आइडिया ऑफ लाइफ के बारे में, जीवन के प्रत्यय के बारे में जानते हैं, समझते हैं, लेकिन इससे आगे आप जानने के लिए आप लोगों की सहायता की आवश्यकता है कि आप इस विषय का विस्तार करें, अपने अनुभव हमारे साथ साझा करें, जो भी पक्ष सहमति असहमति का हो, जैसे भी आपको उचित लगता हो वो आप हमारे साथ समझ सकते हैं। तो कुल मिलाकर के ये जो है व्हाट्स योर आइडिया ऑफ लाइफ, तो उसके लिए मैं आप सभी को आमंत्रित करता हूं। मैं इतना ही जानता था वो मैंने आप लोगों के साथ साझा किया है और इसके आगे आप लोगों के लिए ये प्लेटफॉर्म ओपन है, आप अपना अपना वक्तव्य अपना अपना दृष्टिकोण हमारे साथ साझा कर सकते हैं। तो जैसे जिसको उचित लगता है वो आप बता सकते। बिल्कुल निश्चिंत भाव से, क्योंकि इसीलिए इसमें लेक्चर नहीं रखा है, नहीं तो ये लेक्चर का विषय हो सकता था, हम सभी के लिए आसान हो जाता, लेकिन मुझे लगा कि नहीं इस पे हमें चर्चा करनी चाहिए, तो इसलिए बिल्कुल आप निश्चिंत भाव से आप अपनी बात हमारे साथ साझा कर सकते हैं इस प्लेटफॉर्म पे बिना किसी संकोच के। क्योंकि ऐसा तो कुछ नहीं है कि हम कहें कि हमें सब पता है, हम सब जानते हैं, ऐसा तो कोई दावा हम में से कर नहीं सकता, लेकिन हर कोई हम में से अपना अपना जीवन जी रहा है तो वो किस आधार पे अपने जीवन को क्या समझ रहा है और किस आधार पे जी रहा है, निश्चित रूप से एक समझ के आधार पे ही हम जी रहे होंगे। तो हम प्रयास करें इस सारे विषय पे चर्चा करने की और बताएं, साझा करें। तो मैं चाहूंगा कि डॉक्टर रविंद्र कुमार गुप्ता जी अपनी बात शुरू करें, फिर उसके बाद जो भी आप कहना चाहें स्वागत है। डॉक्टर साहब मैं ये कह रहा हूँ, मेरे से पहले यदि कोई और कहना चाहता हो तो पहले आप उनको आमंत्रित कर लें। नहीं, मेरी ओर से तो सारे ही आमंत्रित हैं डॉक्टर साहब, जो जिसको जो उचित लगता है वो बात रख सकते हैं, मेरी ओर से तो यही सारी बातें थी, मतलब इतना मुझे मालूम था, बाकी तो अब आप लोग कोई दिशा निर्देश देंगे तो बात हो सकती है। जी मैडम, पवन सेठी जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं मुंबई से, तो पवन सेठी जी यदि अपनी बात कहें तो मैं उनका स्वागत करना चाहूंगा पहले। तो हमारे साथ श्री अजय भारद्वाज जी भी और प्रवीण चौहान जी। जी
नमस्कार पवन जी। नमस्कार। चलिए आज आपसे आपके दर्शन भी हो गए। धन्यवाद धन्यवाद। और मैं मंच पर उपस्थित सभी सज्जनों का भी मैं उसी प्रकार से स्वागत करता हूं जैसा कि आपने मेरा किया है, और उससे ज़्यादा करता हूं। मैंने अभी आपका लेक्चर सुना और जिज्ञासाएं भी हुई, और इसके अलावा जीवन की कुछ परतें भी खुली, जीवन के अंदर झांकने का मौका भी मिला, दूसरे बुद्धिजीवियों के विचार भी पढ़ने को मिले, दूसरे दार्शनिकों के बारे में समझने का मौका भी मिला। अब प्रश्न ये उठता है कि हमारे यहाँ जीवन को एक साइक्लिक फॉर्म में देखा जाता है, जबकि वेस्ट में जीवन को लीनियर फॉर्म में देखा जाता है कि डेट इज वन लाइफ, और हम कहते हैं कि हम फिर लौट के आएंगे। और हम जब लौट के आने की बात करते हैं तो हमने उसके लिए दो सिद्धांत भी बना लिए। एक हमने फेट और फ्री विल का सिद्धांत बना लिया कि भाग्य प्रारब्ध भी है और इसके अलावा हमें कर्मों की स्वाधीनता भी है। दूसरा हमने सिद्धांत बना लिया कि कर्म भी है और इसके साथ साथ पुनर्जन्म भी है। तो मैं ये जानने का प्रयत्न कर रहा हूं, जिएंगे तो दोनों ही, और दोनों अपने अपने विचारों के, जैसा उन्होंने अपने विचार बना लिए हैं उसके हिसाब से जीवन जिएंगे। तो प्रश्न ये उठता है, जीवन के प्रति दृष्टिकोण जो है, जिसको हम विचार कहते हैं, व्यक्ति विचार के अनुसार जीता है या किसी आधारभूत सिद्धांत के अनुसार जीता है, उसमें भारतीय परिप्रेक्ष्य जो है वो कितना यथार्थ है, कितना सत्य है, और पश्चिम का जो सिद्धांत है वो कितना, यूं कहिए कि सार गर्भित नहीं है, या है, या दो अलग अलग दृष्टिकोण है, तो क्या फर्क पड़ता है, या हम यहाँ पुनर्जन्म लें या हम यहाँ पर आने के बाद वापस चले जाएं। जी जी, क्योंकि हम ये मान के चलते हैं कि मौत धोबन की तरह है, आती है, कपड़े धो देती है, पुराने उतार देती है, नए पहना देती है, वापस भेज देती है। और वेस्ट कहता है कि जो खत्म हो गया वो विलीन हो गया, कुछ नया जन्म कहीं हो रहा है तो उसका प्रारब्ध से कोई लेना देना नहीं है। तो मैं जरा इस बारे में आपकी व्याख्या जानना चाहूंगा। चलिए इस विषय को भी ले लेते हैं, ये दो परिप्रेक्ष्य हैं। जी मैडम इंदु जी, सर नमस्कार सभी को। आज का विषय बहुत सुंदर है। आप, मेरी आवाज आ रही है? जी जी बिल्कुल क्लियर आ रही है। हाँ, सर मैं तो ये कहूंगी कि पाश्चात्य और भारतीय जो परिवेश है उसमें रात दिन का अंतर है। वहां पर भौतिकवादिता है, वो प्रकृति से जूझते हैं और अपन सामाजिक ढांचे से जूझते हैं। स्त्रियां तो बहुत जूझती है ना, तो उसमें सब में आध्यात्मिकता और उसके जीवन के अंदर मैंने देखा है भारतीय संस्कृति के अंदर जो है, मतलब पाप पुण्य जुड़ा रहता है उनकी डेली लाइफ में, है ना, तो वो मतलब कम या ज्यादा वो उसका पालन करता ही है। ये उसके अंदर एक मॉरलिटी होती है अगर मैं कहूंगी तो। और दूसरा वो जो अपने पूर्व जन्म को भी साथ लेके चलता है कि मुझे वहां पर भी उसका जवाब देना है, और अपने फैमिली के आगे, समाज के आगे, मान सम्मान का, और इस तरह से वो करता हुआ थोड़ा सा आध्यात्मिक की तरफ भी चला जाता है। तो वो अपने अंदर की आत्मा को जानने के लिए हर एक आदमी, मैं तो कहती हूँ भारतीय हर एक आदमी अपने आप में एक अपनी तरह का एक आध्यात्मिक आदमी होता है और उसका एक आध्यात्मिक जीवन होता है, मेरा ऐसा मानना है। और वो अपने पिछले वाले कर्मों से भी सीखता है ताकि आगे जिंदगी तेज थप्पड़ नहीं मारे, ये मेरा ऐसा मानना है। जी सर, ठीक है। जी डॉक्टर शमशेर जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? डॉक्टर साहब नमस्कार सभी को। नमस्कार। आपका विषय इस कॉन्फ्रेंस में जुड़ने के बाद ही पता चला है मुझे। आई वॉज नॉट प्रिपेयर्ड
फॉर दैट, लेकिन जो चर्चा हुई है उससे, हाँ उससे कुछ जो समझा है उसमें मैं भी कुछ ऐड कर सकता हूँ कि जी जी पुनर्जन्म पाप पुण्य धर्म अधर्म ये चीजें हैं सारी दुनिया में, हाँ, लेकिन हम इस बात को गर्व से कह सकते हैं कि हमारे यहाँ जीवन की शुरुआत भी इन्हीं से होती है और जीवन का अंत भी इन्हीं से होता है। हम और संस्कृतियों के बजाय ईश्वर में, आत्मा में, परमात्मा में, इन धर्म ग्रंथों में, संस्कृतियों में हम ज्यादा विश्वास रखने वाले हैं और इसलिए हमारी हस्ती औरों के बजाय आज भी मजबूती के साथ मिल रही है। धन्यवाद जी, शुक्रिया। चलिए डॉक्टर रविंद्र जी, सर आप कुछ इस सारे विषय पे कहना चाहें? सर पहली बात तो मुझे लगता है कि हम पाश्चात्य धारणा और भौतिकवाद को एक समान मानते हैं, जबकि मेरा मानना है कि शायद ऐसा नहीं है, क्योंकि अध्यात्म और भौतिकवाद रेलवे की जो दो पटरियां होती है उसके समानांतर चलती हैं, लगभग मिलती नहीं है, ठीक उसी प्रकार से है। यदि रामायण में राम अध्यात्म के प्रतीक हैं तो रावण भौतिकवाद के प्रतीक भी रहे हैं, तो इसलिए हम केवल अपने आप को श्रेष्ठ या आध्यात्मिक बताने के लिए अनेक बार पाश्चात्य संस्कृति पर आरोपित कर देते हैं, जो शायद उतना उचित नहीं है, क्योंकि यदि हम पाश्चात्य दार्शनिकों को भी देखें, भूतों को देख सकते हैं आप, तो इसलिए ये संघर्ष जो है जीवन का, ये कोई भी कालखंड हो, कोई भी संस्कृति हो, उसमें एक द्वंद रहा है भौतिकता बनाम अध्यात्म का। और उसका कारण क्या है जो मैं समझ पाया हूँ अपने, जिसे कहते हैं कि ज्ञान क्या है, ज्ञान को समझने की तीन स्तर हैं, पहला है श्रवण, फिर है मनन और फिर है ध्यान। अब जिस उम्र में हम आ गए हैं उसमें शायद हमने अपने अनुभव से श्रवण और मनन तो कर लिया, अब हम ध्यान की ओर हैं, लेकिन ये काल जीवन का वो कालखंड है कि जो हम पहले कर चुके हैं उसके बाद का, जब हमें करना चाहिए था तब तो हमें ध्यान था ही नहीं, तब हमने शायद हमारी शिक्षा पद्धति ऐसी रही, हमारा सामाजिक वातावरण ऐसा रहा कि जो हमें आइडिया ऑफ लाइफ है उसका उद्देश्य क्या है इसके बारे में हमें बताया ही नहीं गया, हमने केवल अपने अनुभव से आसपास के वातावरण से जो देखा उसको ले लिया, और उसके कारण समाज में हमने एक, जैसा कि सेठी जी ने कहा था, बहुत सुंदर बात कही थी कि जो अनुभव है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि क्योंकि जैसे कल आपसे बात हुई थी तो मैं ये सोच रहा था कि किस आयाम से इसकी वो की जाए, परिभाषा या किया जाए। जी जी, पहले तो एक बात तो ध्यान आया कि चलो हल्का फुल्का बनाने के लिए जीवन क्या है इसको फिल्मी गानों से ही बता दूं, फिर मैंने सोचा नहीं ऐसा नहीं करना है मुझे, तो मैंने तीन चार परिभाषाएं बनाई सर, उनकी ओर आपको मैं ध्यान दिलाना चाहूंगा। लाइफ का मतलब क्या है? लिव फॉर इन्फिनिटी फीलिंग ऑफ इटर्नल ब्लिस, जस्ट आई एम रिपीटिंग, लिव फॉर इन्फिनिटी फीलिंग ऑफ इटर्नल ब्लिस। सेकंड बनाई मैंने लिव इंटेलिजेंटली फॉलोइंग स्वधर्म विदाउट ईगो, लिव इंटेलिजेंटली फॉलोइंग स्वधर्म विदाउट ईगो, और तीसरी बनाई मैंने लिव इंटेलिजेंटली फॉर द पर्पस ऑफ इक्वेनिमिटी, ठीक है, इंटेलिजेंटली फॉर द पर्पस ऑफ इक्वेनिमिटी
विच लीड्स टू द पाथ ऑफ सर्वभूत हिते रता एंड लोक संग्रह। ये तीनों परिभाषाएं मैंने जितना थोड़ा बहुत मेरा अध्ययन है श्रीमद् भगवत गीता का उनसे भी है। ठीक है डॉक्टर साहब, लेकिन इसमें मेरी एक थोड़ा सा संदेह है, क्योंकि चर्चा है तो थोड़ा इसको देखते हैं और पवन सेठी जी भी आगे बात रखेंगे इसको, कि हम ये जो इसको थ्योराइज करने की कोशिश करते हैं उससे क्या होता है कि वो क्वालिटी ऑफ लाइफ के बारे में चलेगी, कि हाउ शुड आई लिव, आई शुड लिव इंटेलिजेंटली, हाउ शुड आई लिव, देयर शुड बी नो वायलेंस, हाउ शुड आई लिव, आई शुड लिव ब्लिसफुली। अब ये क्या हो गया, दिस इज वी आई एम ट्राइंग टू से द क्वालिटी ऑफ लाइफ लाइक शुड बी लाइक दिस, बट दैट इज नॉट लाइफ, लाइफ का वो क्रिया पक्ष चला गया। सो वट वी आर टॉकिंग ट्राइंग टू डिस्कस हेयर इज कि वट इज द आइडिया ऑफ लाइफ इन इट सेल्फ। ये ठीक वैसे ही है, देखिए इस बात को थोड़ा सा इस तरह से भी समझें कि जो हम साइंसेस पढ़ते हैं, साइंस में कोई भी परिभाषा, जहां तक मैं जानता हूँ, कोई भी परिभाषा किसी वस्तु को नहीं बताती, केवल उसके उपयोग की परिभाषाएं। वहां पर आप एटम स्ट्रक्चर क्या है जिसमें ये न्यूट्रॉन और ये सारे होते हैं, इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होते हैं, ये होते हैं। अब ये परिभाषाएं आपको केवल ये बताती हैं, या पानी क्या होता है कि वो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के जो एटम्स हैं वो मिल जाते हैं, यानी कि यू नो हाउ टू मेक द वाटर और हाउ नॉट टू मेक अ वाटर और हाउ टू इन हाउ टू यूज दैट नॉलेज, और उसी से फिर आप कभी बम बना लेते हैं, कभी इलेक्ट्रिसिटी पैदा कर लेते हैं। तो वो, लेकिन वो उसको जानना नहीं है, वो जल तत्व को जानना नहीं, वो ये नहीं बताता है कि एक्चुअल में जल क्या है या वाटर क्या है, वो ये बता रहा है कि वाटर बनता कैसे। सो सेम वे हम भी वही गलती ना करें, इसको थोड़ा सा और फोकस करने की कोशिश करें और हम प्रयास करें इस प्रश्न को और सीधा और सटीक करने का कि व्हाट इज द आइडिया ऑफ लाइफ। तो मुझे लगता है पवन जी पहले एक बार कह ले अपनी बात, फिर उसके बाद रिस्पॉन्ड करते हैं। जी, दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जी, एक तो मैं जो डिवीजन किया जाता है कि भौतिक और अध्यात्म के बीच में, ये बहुत दूर जाने के बाद जैसे कि सूरज और चांद मिलते हैं, जी, या दूर देखने पर क्षितिज पर जो है जमीन और आसमान मिल रहे हैं, ये वैसी स्थिति हो जाती है। क्योंकि मैं मानकर चलता हूं कि अध्यात्म भी किसी एक ऊर्जा की बात कर रहा है, और पूरा विज्ञान का भौतिक शास्त्र जो है वह भी सिर्फ और सिर्फ ऊर्जा की बात कर रहा है। अब ऊर्जा हमने जो माना है कि भारतीय दर्शन कहता है कि इच्छा शक्ति, यदि इच्छा ना होता तो सृष्टि भी ना होती। अब यह है कि हम डिवीजन करते हैं कि अच्छी इच्छा है या बुरी इच्छा है, या ये इच्छा यहाँ जा रही है, ये इच्छा वहां जा रही है। फॉर व्हाइल एक एग्जांपल देते हैं, एक भौतिकवादी जो है वो कहता है कि मनी या पैसा, कि आई एम रनिंग आफ्टर मनी, आई वॉन्ट मनी। एक आध्यात्मिक व्यक्ति कहता है कि मैं ईश्वर को पाना चाहता हूं। तुम ईश्वर को क्यों पाना चाहते हो, उसमें दो धारणाएं हैं। एक व्यक्ति कहता है कि मैं अपना जो है अगला जन्म सुधार रहा हूं, या मैं ये सब अच्छा अच्छा करूंगा तो मुझे स्वर्ग मिलेगा, वहां पर मेरा एक होटल में कमरा बुक हो जाएगा। तो करेंसी अलग हो सकती है, और उसका Anything which you are thinking of being in future, that is always greed. वह एक प्रकार से आपका जो है, आप एक greed है, और anything which is depending on greed, that takes you into a mad race. Either it is spiritualism, or either it is materialism. अब दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि कहा जाता है कि सेंसेस से जो कुछ प्राप्त हो रहा है वो बाहरी है,
आंतरिक जो होता है जिसको बोलते हैं अनुभूति बोलते हैं, आपको जो भी अनुभूति अंतर अनुभूति जो होती है उसके पीछे भी मेरा मानना यह है कि दो वस्तुएं हैं। आप एक तो क्या है कि अपनी पास्ट या अपनी मेमोरीज पर डिपेंड करते हैं अपने विचारों के, 90% हमारे जो विचार हैं वो हमें बाहरी ज्ञान से जब प्राप्त हुआ है, हमें किसी गुरु ने कुछ बोला, उसको हमने सुना, उससे हमें आनंद बताया कि ये आनंद है, इसकी अनुभूति ऐसे होगी। या आप मेडिटेशन करते हैं तो आप मेडिटेशन करेंगे आपको ये महसूस होगा, आप सांस का लेना देना करेंगे तो आपको ये महसूस होगा। जी, तो इसका मतलब कि until and unless you are not connected to the external world, you don't have an internal world too. इसीलिए जैसे कि संस्कृत का आप तो ज्ञाता है इस चीज की, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, जो ब्रह्मांड में हो रहा है वही जो भीतर हो रहा है। जी, अब शून्य की यात्रा करते हैं या अनंत की यात्रा करते हैं, अल्टीमेटली आप जो है जहां पहुंच रहे हैं शून्य का भी सीमाहीन है और अनंत भी सीमाहीन है। हमारी अनुभूतियां जिसको हम ब्लिस कहते हैं उसकी, उसको डिफाइन करने वाला, क्योंकि ये तो गूंगे का गुड़ है कि मुझे अनुभूति हो गई। अब दूसरी बात यह है कि हम जब जिस कॉन्शियसनेस या जिस चैतन्यता की बात करते हैं, वो चैतन्यता जिस पल आती है उस पल आप जो है आपका शरीर जिसको ईगो कहा गया है वो बीच में रहता ही नहीं है, आई ड्रॉप्स इटसेल्फ। लेकिन मैं जानना चाहता हूं कितनों को प्राप्त हुआ है, जितनों को प्राप्त होता है चाहे वो रामकृष्ण परमहंस थे या महर्षि रमन थे, तो उनको लोग बाग जो थे जो साइकोलॉजिस्ट थे उनको किसी और स्टेज में डालने की कोशिश कर रहे थे। तो अब प्रश्न ये उठता है कि यदि हम ज्ञान की बात करते, किसी विवेकानंद की बात करते हैं या किसी जो है लाला हरदयाल की बात करते हैं या किसी अरविंदो की बात करते हैं, तो उन्होंने जो कुछ देखा या महसूस किया वो जरूरी नहीं कि दूसरा भी महसूस कर लेगा। वे केवल ये कहते हैं कि मुझे इस मार्ग से प्राप्त हुआ, तभी उनके भी मार्ग अलग अलग है। किसी बुद्ध को प्राप्त होता है, किसी महावीर को प्राप्त होता है, उसके मार्ग अलग अलग हैं, लेकिन अवश्य नहीं कि उसने जो मार्ग से पाया है उस मार्ग से मुझे भी मिल जाए। जी जी, तो इसका अर्थ यह है कि मेरी अनुभूतियां जो होंगी वो मेरे परिप्रेक्ष्य से देखी गई होंगी, मेरे दृष्टिकोण से आई गई होंगी। और मेरी अब वहां पर प्रश्न उठता है कि मेरी दृष्टि, मैं जब मेरी दृष्टि कह रहा हूं, मेरी दृष्टि कहने वाला कौन है, वो दृष्टा कौन है, और दृष्टा को देखने वाला कौन है। तो उस जब तक कि हम ये वाली गुत्थी नहीं सुलझाएंगे अष्टावक्र ने जो समझाने की कोशिश की जनक को, तब तक जो है अध्यात्म या भौतिकता को हम समझ नहीं पाएंगे। केवल फर्क इतना है कि अध्यात्म भी जनरली हमारे लिए जो है एक स्वप्न तुल्य है, उतना ही जितना कि भौतिकता एक स्वप्न तुल्य है। अगर भौतिकता सत्य है तो अध्यात्म भी सत्य, अध्यात्म सत्य तो भौतिकता भी सत्य है। क्योंकि हम अगर उस लेवल पर जाते हैं, किसी एटम प्रोटोन न्यूट्रॉन की बात करते हैं, और अगर एटम प्रोटोन न्यूट्रॉन जो है, कल तक क्वांटम फिजिक्स ये कह रहा था, इससे पहले ये कहा जाता है ये पार्टिकल्स हैं, अब कहने लग गए ये वाइब्रेशंस हैं। अगर ये वाइब्रेशंस है इसका मतलब हम ऊर्जा मंडल में रह रहे हैं, हम भी ऊर्जा ही हैं। अगर हम भी ऊर्जा ही हैं तो इसका मतलब है कि हम ऊर्जा के पुंज हैं, हम कब तक अपने आप को उस ऊर्जा से अलग समझ लेंगे। अब जी, जी, कि आप ये देखिए थोड़ा सा वेरिएशन है, H2O कहा तो वाटर बन गया, अगर मैं H2O2 उसने एक मॉलिक एक जो है एटम ज्यादा बढ़ा दिया ऑक्सीजन का और हमने H2O2 कर दिया, दो मिनट में ओजोन हो जाता है। जी, और, जी. तो, और उसमें भी आप क्योंकि जो है कि आप देखा जाए तो एटम्स की बात की जा रही है, तो 16 एटम्स अगर 16 अगर जो है इलेक्ट्रॉन इकट्ठे हो जाते हैं तो ऑक्सीजन कहलाता है, 12 इकट्ठे हो जाते हैं तो वो कार्बन कहलाता है। तो इसका मतलब कि जो हम बात कर रहे हैं कि वो जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के अंदर की ऊर्जा, इसका मतलब हर चीज एक इसलिए है कि सोना जो है उसके 36 इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन है, उसको दो करने होते हैं तो ऑक्सीजन चाहिए। यहाँ पे कहीं पे युग्मता आती है, ये भौतिक संसार जिसकी बात कर रहे हैं उसके पीछे कहीं ना कहीं पर यदि कुछ है तो वो ऊर्जा ही है। और उस ऊर्जा को जान लेना, उस ऊर्जा को महसूस कर लेना, उस ऊर्जा तक पहुंच जाना, देन देयर इज नो, वहां कोई फिजिकल वर्ल्ड नहीं है, कोई स्पिरिचुअल वर्ल्ड नहीं है, वहां सिर्फ ये है कि आप ही आप हैं, आप ही के अंदर सब हो रहा है, आप ही के बाहर सब हो रहा है। ये मुझे समझ में आता नजर आ रहा है, मैं नहीं जानता हूं कि मैं कितना सही हूं और मैं कितना गलत हूं।
सही है। चलिए, किसी और की कोई टिप्पणी है जो हमारे साथ साझा करना चाहे? हमारे साथ डॉक्टर रितु तलवार जी जुड़ी हुई हैं, जो कि संस्कृत विभाग की अध्यक्षा हैं डीएवी कॉलेज जालंधर से। उनका स्वागत है। हमारे साथ डॉक्टर परमजीत कौर जी, जो अम्बाला से एसटी कॉलेज से हैं। मैं इससे पहले एक बात और आपके साथ साझा कर लेता हूँ, जब आप लोग टिप्पणी करें इस विषय पे। जब आप लाइफ शब्द की बात करते हैं, उसका सामान्य अर्थ जब आप जिंदगी या जीवन करते हैं, तो वो हिंदी और उर्दू पंजाबी में तो आपको वो उसी अर्थ में लगभग दिखाई और सुनाई देगा, प्रयोग में भी दिखाई देगा। लेकिन संस्कृत में आपको जीवन शब्द इस अर्थ में प्रयोग होता हुआ नहीं दिखाई देता। संस्कृत की परंपरा में वो वहां पर आप पुरुषार्थ करें, वहां पर शब्द आयुष शब्द है, आयुष शब्द है, लेकिन जीवन के इस तरह की विडंबनाएं जिसका वो बोधक है, वो वहां पर आपको देखने को नहीं मिलेगा। दुख सुख है वहां पर, अनुचित कर्म और उचित कर्म सारे हैं, लेकिन इस तरह की विडंबनाएं नहीं होंगी जैसी विडंबनाएं मैंने आप लोगों के साथ कुछ देर पहले साझी की थी कि उर्दू में कि जिंदगी खो गई, या मैं जैसे कि डॉक्टर गुप्ता जी भी अभी कोई फिल्म सॉन्ग्स की बात करने जा रहे थे लेकिन उन्होंने रोक लिया अपने को। तो फिल्मी सॉन्ग्स में जिस तरह की हमें विडंबनाएं देखने को आती हैं कि मैं जिंदगी की हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया, अब वो क्या कहना चाहते हैं उस तरह की बातों से, या मैंने तेरे लिए जिंदगी के क्या सपने चुने, और ये इस तरह के बहुत सारे गाने हैं, लेकिन उनमें जो है वो क्या है, विडंबना का बोध है। लेकिन संस्कृत शास्त्रों में जीवन को लेकर के विडंबना के इस तरह के भेद इस तरह का नहीं है। है वहां पे दुख है, सुख है, सारा कुछ है, विचित्र व्यवहार है, सब कुछ है, लेकिन अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू, पंजाबी में जिस तरह से जीवन शब्द का, जिंदगी शब्द का और लाइफ शब्द का प्रयोग हुआ है, उस अर्थ में मुझे वहां देखने को नहीं मिला। तो ये एक थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है। लेकिन मैडम रितु जी कुछ कहना चाहते हैं तो फिर उसके बाद। नमो नमः सर्वेषां, रितु तलवाड़ी महोदय, आपको सुनना हमेशा ही बहुत अच्छा लगता है। टिप्पणी कोई नहीं है, गुंगे का गुड़ है। वैसे अभी मैं बच्चों को मीमांसा दर्शन क्वेश्चन करवाने वाली थी, मेरे लिए लाभ हो गया। और मेरा अहो भाग्य है जो आपके माध्यम से इतने विद्वत जनों का मेरे को सुनने का अवसर मिल जाता है। तो जब जब भी क्लास नहीं होगी मैं जरूर सुनूंगी, और बहुत अच्छा लगा। जो सर, जहां तक आप सोचते हैं ना, वहां तक हम आपको पकड़ के आपके पीछे पीछे चल लें, इतना बहुत है हमारे लिए। उतनी इधर बुद्धि नहीं है, बस आपको फॉलो कर सकते हैं। महाजनो येन गता स पंथा, I will follow your footprints. Thank you. धन्यवाद। चलिए, किसी और की कोई टिप्पणी अभी हो नहीं तो फिर हम इसको पूर्णता की ओर अग्रसर करेंगे और फिर अगली बार देखेंगे। सर, मैं अगर संस्कृत की दृष्टि से कहूं तो संस्कृत में तो सभी का जीवन एक तरह से निर्धारित कर रखा है, वर्गों में उसको बांट रखा है, उनके कार्य भी निर्धारित है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र सबके कार्य निर्धारित है। अगर देखा जाए तो उसी ट्रेंड को फॉलो करते हुए आज भी जीवन यापन, आज तो नहीं कर सकता लेकिन पहले तो कर ही रहा था। अगर जीवन देखा जाए तो संस्कृत दृष्टि से कि ब्राह्मण तो उसको नहीं, उसको आप इस तरह से कहें कि वो पुरुषार्थ से निर्धारित था। हाँ, पुरुषार्थ आपके, हाँ पुरुषार्थ से निर्धारित था। अब जो है वो पुरुषार्थ से निर्धारित है, लेकिन अब जो है वो, अब जो ये शब्द आ गए ना, फ्रीडम आदि, और ये उस इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से, सप्रेसिव सोसाइटी से उठ करके जो आए हैं, रेवोल्यूशन से उठ करके आए हैं, तो उन शब्दों से जीवन निर्धारित होने के कारण वो एक क्योस की स्थिति में है। तो लाइफ इज ए क्योस जो है वो उस तरह से है। हालांकि वो सारी सुविधाएं हैं, एक सिस्टम के अंदर है, लेकिन मैं कब उठना चाहता हूँ, कब सोना चाहता हूँ, कितना खाना चाहता हूँ, नहीं चाहता, और वो सारा जो है उसको हम कहीं स्वच्छंदता और स्वतंत्रता में मिक्सअप करके वो जिंदगी को परिभाषित करने की कोशिश करते हैं, और उसमें फिर वो बिखराव आता है। मुझे नहीं पता कि क्यों इतनी ट्रेजिडीज लिखी जाती हैं, क्यों हम मूवीज बनती हैं, तो वो तनाव और इस तरह की बातें। जीवन तो सहज होना चाहिए, जीवन तो सहज अभिव्यक्ति है,
और उसको हम इतनी विकृतियों में ले जाते हैं कि वो सिवाय तनाव के अलावा शेष कुछ रहता नहीं है। तो वो पक्ष देखते हैं, लेकिन पवन जी की बात लेकर के और फिर इसको समापन की ओर अग्रसर करते हैं। मैं सर दो तीन बातें और विच आई ऑब्जर्व। पहली बात तो यह है कि भारतीय परंपरा में, भारतीय वैदिक दर्शन में कहीं पर पाप और पुण्य नाम की चीज नहीं है। वहां रित और अनरित की बात की गई है कि एक सिस्टम है, उसके लिए कुछ जो है वैल्यूज हैं। यदि आप उस सिस्टम को अपनी किसी एक्टिविटी से डिस्टर्ब करते हैं तो आपको उसको सुधारने के लिए वापस भेजा जाता है। जी जी। तो इसका अर्थ है कि ये सिन और पायस जो पाइटी जो है, ये शब्द जो है भारत के नहीं है, कि पाप और पुण्य भारत का शब्द नहीं है। ये शब्द हमें जो है वेस्टर्न फिलोसफी से मिला है। जी। दूसरी बात यह है कि जहां तक सुख और दुख की बात करते हैं, मन का हो गया तो सुख, मन का ना हुआ तो दुख। अब मन का सुख और दुख कौन डिसाइड करेगा? आप स्वयं डिसाइड करते हैं। तो वह कहीं पर यह है कि आपकी इच्छा का दमन। इसीलिए जो है कई लोगों ने जो है, कई हमारे फिलोसफर्स हैं, इवन बुद्ध हैं या महावीर हैं, उन्होंने इच्छा के दमन की बात की। और अगर इच्छा के दमन की बात करते हैं तो फिर जीवन का कोई अर्थ नहीं रह जाता। जी जी। आज के संदर्भ में अगर बात की जाए कि यदि कोई बुद्ध है, बुद्ध ने जीवन जीने की कला नहीं सिखाई, महावीर ने जीवन जीने की कला नहीं सिखाई। वरना जो है हर व्यक्ति यह सेलिबेसी। अब मुझे एक छोटी सी कहानी याद आ जाती है कि एक मोनेस्ट्री थी, उसके नीचे तहखाने में बहुत से ग्रंथ रखे हुए थे और वहां पर जो शिष्य थे उनको काम यह दिया गया था कि आप जाइए नीचे और जाकर जो वहाँ ग्रंथ पड़े हैं उनकी जो है कॉपीज बनाइए, उनके साथ साथ जो प्रतिलिपियां तैयार कीजिए, तो उनको लिखना था दोबारा से। अब एक आप जैसा भी शिष्य था जिसने कहा कि हम लगातार जो कॉपीज ले बना रहे हैं, जो ऑलरेडी बनी है कॉपीज, उन्हीं को ही नकल करते चले जा रहे हैं, एक बार मैं ओरिजिनल तो देख लूं जाके। अब वो उसने ओरिजिनल जब खोल के देखी और जो बन रहा था वो देखा तो भागा भागा वो अपने गुरु के पास गया और गुरु को नीचे लेके आया तहखाने में और उसने ओरिजिनल और कॉपीज दोनों सामने रखी तो गुरु जोर जोर से रोने लग गया। उसने पूछा गुरु जी क्या हुआ? कहता इसमें सेलिब्रेशन लिखा था ओरिजिनल में, इसमें से आर गायब कर दिया, सेलिब्रेशन हो गया। जी जी जी। तो अब ये जो है जीवन तो उमंग है, जीवन तो आनंद है। अगर जीवन को अगर यही सब करना था तो जीवन मिलता ही क्यों? जीवन मिला ही इसलिए है कि आप दो या तीन से आपके अंदर जिज्ञासा भरी गई है तो उसके पीछे एक कारण है। जी जी। आपको अगर किसी प्रकार से आप ये चाहते हैं, जैसे एक छोटा सा बच्चा, कौन सिखाता है एक छोटे से बच्चे को कि माँ के स्तन कहाँ है और कहाँ से दूध पीना है? हु टीचेस हिम सकिंग, हु टीचेस ए सीड टू जस्ट ब्रेक डाउन, ब्रेक एंड जस्ट स्प्राउट शुड कम आउट ऑफ यू। एक मैंने देखा है कि एक छोटा सा पोस्टर होता है कि एक अंडा टूटा हुआ है, उसके ऊपर एक चूजा बैठा हुआ है जो बोलता है कि व्हाट टू डू नाउ। तो अब इसका अर्थ यह है कि जब सबने अपना अपना ढूंढ लिया तो व्यक्ति भी अपना ढूंढ सकता है। क्या वहां पर ग्रंथ जो है एक प्रकार से मैनुअल हो सकते हैं, एक प्रकार से गाइड हो सकते हैं, लेकिन मॉडल भी तो बदलते रहते हैं। उस युग के मॉडल्स, उस युग के मॉडल्स के लिए वो वाले मैनुअल्स थे, इस युग के लिए या तो मीमांसा नहीं हो, नया इसके ऊपर विचार किया जाए, नए तरीके से लिखा जाए, जो भारत में अक्सर हुआ है। गीता को इतने बार इतने लोगों ने इतने नए तरीके से लिखा है, हर किसी ने उसको अपने अपने तरीके से इंटरप्रेट किया है, वैसा हो। तो मुझे लगता है कि हम लोग, जैसे कि हिंदुइज्म के एक ऑर्गेनिक रिलीजन माना जाता है, तो वो ऑर्गेनिक रिलीजन फॉर द ऑर्गेनिजम्स हमेशा जिंदा रहना चाहिए और उसके बीच में से कुछ जो हमारी भ्रांतियाँ हैं या कुछ जो हमारे जो है जीवन के प्रति जो विचार बने हैं, जो कि हो सकता है कि गड्डम गड्ड हो गया हो, जैसे कि आपने बोला लाइफ इज वेरी कैओटिक, लेकिन उस कैओस के अंदर भी तो लाइफ है। उसमें पैटर्न तो है ही। तो
तो वो पैटर्न जो है जिसको समझ में आ जाता है तो कोई आइंस्टीन बन जाता है, कोई बुद्धा बन जाता है, कोई महावीर बन जाता है, कोई जो है वशिष्ठ बन जाता है। जी जी। तो ये सब बातें जो मेरे दिमाग में चल रही थी, लेकिन इस पूरी चर्चा से आज बहुत कुछ सीखने को मिला है। आप धन्य है कि आपको सरस्वती ने ये वरदान दिया है और आप साथ में सरस्वती के जो है ये इस प्रकार की जो उपासना कर रहे हैं उसके लिए आप धन्य हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर साहब, धन्यवाद। रविंद्र जी कुछ कहना है, कोई एक दो कोई गाने सुनाने आपने? क्योंकि जहां से हमने प्रश्न शुरू किया था ये वहीं का वहीं रुक गया है। आपने जो कहा था, एक मेरा कहना था उसमें कि आइडिया जो होता है ना सर, आइडिया इन्वॉल्व्स आइडियल्स एज वेल एज एलिमेंट्स। जब आप जिंदगी के विचार के ऊपर हम विचार करेंगे तो विचार अपने आप में उसको मिलान उसको संगठन करने वाले एलिमेंट्स के साथ साथ आदर्शों की स्थापना भी करता है। क्योंकि यदि आदर्श की और उद्देश्य की ओर हम नहीं जाएंगे तो एलिमेंट्स भी उसी प्रकार से हो जाएंगे। तो इसलिए एक तो मेरा ये मानना है, दूसरा मेरा ये मानना है सर कि आपने जो आज का विषय रखा है वो इसलिए अच्छा था यह है कि इसमें आप देखें ना, जैसे सेठ जी साहब ने और अन्य वक्ताओं ने कहा कितनी सुंदर बातें हमारे को सुनने को और सबसे ज्यादा बात है मनन करने को मिली है, उनकी ओर हमारा ध्यान जाएगा। क्योंकि हम आमतौर पर क्या कह देते हैं, जिंदगी क्या है, गम का प्याला है। जिंदगी देने वाले सुन तेरी दुनिया से दिल भर गया। तो ऐसे गाने भी मिले, वहां सब तरह के गाने हैं, मैंने तेरे लिए ही सात रंग के सपने चुने। सही बात है, ये जीवन है, इस जीवन का यही है रंग रूप, थोड़े गम है थोड़ी खुशियां हैं। अब जैसे शेट्टी साहब ने कहा था सर कि मन की इच्छा, थोड़े गम है या थोड़ी खुशियां हैं, ये खुशियां और गम निर्भर करते हैं मन की इच्छा पर। इच्छाओं का हम यदि हमारे को कोई अन्य व्यक्ति दमन करता है, बाह्य रूप से हमारी इच्छाओं का दमन होता है तो हमें दुख होता है। लेकिन यदि हम स्वेच्छा से, जिसे मैं इच्छाओं का दमन नहीं कहता हूं बल्कि आत्मसंयम कहता हूं, यदि हम इच्छाओं का आत्मसंयम करते हैं तो परिणाम तो वही है लेकिन उसमें हमें सुख मिलता है। तो आइडिया ऑफ लाइफ क्या है कि हम किस चीज में सुख पाते हैं। लेकिन एक बात मैं निश्चित रूप से कहता हूं, मुख्य रूप से भगवद गीता के दृष्टिकोण से, कि यदि समाज में अशांति है, अहिंसा है, दुख है, तो हम अपने आप में सुख नहीं प्राप्त कर सकते। वो सुख केवल एक क्षणिक तो हो सकता है कि मेरे को कुछ आर्थिक लाभ हो गया, भ्रष्टाचार से मैंने ज्यादा कमा लिया, उससे मुझे खरीद लिया, और जब वो नहीं मिला फिर क्रोध भी आएगा। तो इसलिए हमें जीवन को जीने के लिए केवल अपने व्यक्ति तो से निकलकर, अपने अहम अपने मैं से निकलकर हम की ओर जाना होगा। और इसके लिए जैसा आज आपने आयोजन किया है, ऐसे विचार को और भी हम आगे बढ़ाएं, बार बार करें, अन्य श्रोताओं को भी जोड़ें, ताकि हमारा जो विचार है जीवन के लिए, वास्तविक जीवन क्या है, वो प्रसारित हो सके। इसलिए आपको और अन्य सभी बौद्धिक सहभागियों का मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर साहब। ये सिर्फ चर्चा तो इसीलिए थी कि कम से कम हमें पहले एक स्पष्टता हो, कि प्रश्न की स्पष्टता हो कि हम जो जानना चाहते हैं उसके लिए सही शब्दों का चुनाव करना हम सीखें, उसकी विभिन्न आयामों से हमारा परिचय हो, तो तभी उसके उत्तरों की ओर हम जो है वो अग्रसर हों। बाकी एक जो दो बातें आपने कही है, ये आइडिया आइडियलिज्म जो है, आइडियल का आदर्श, यहाँ पर आदर्श शब्द नहीं आपकी संस्कृति में, धर्म है, धर्म का पालन करते हैं तो बहुत अच्छा है और नहीं करते तो आप अधार्मिक हैं, लेकिन आइडियलिज्म नहीं। क्योंकि आइडियलिज्म में क्या होता है, आप संघर्ष में पड़ जाते हैं एक अनावश्यक। सबसे पहले तो आपको अपने साथ ही संघर्ष करना पड़ता है कि मैं
एक आदर्श व्यक्ति बन के दिखाऊं, तो वो कहीं ना कहीं फिर वहां हम भूल जाते हैं कि हम जिस विषय पे चर्चा कर रहे हैं कि आइडिया ऑफ लाइफ जो है वो कहीं ना कहीं चूक जाएंगे। बाकी इस सारे विषय को हमें दोबारा से एक बार देखना होगा कि जब हम आइडिया ऑफ लाइफ की बात कर रहे हैं तो हम ना तो हम मोटिवेशंस की बात कर रहे हैं, ना हम उन कोटेशंस की बात कर रहे हैं जहां पे वो विडंबना दिखाते हैं, जैसे कि मैंने बात की थी कि हिंदी उर्दू और अंग्रेजी के नॉवेल्स में लिटरेचर में हमें वो दिखाई देता है। तो हमें एक स्वस्थता चाहिए जिससे कि मैं देख सकूं कि मैं क्या हूं, मैं एक आई एम ए पीस ऑफ लाइफ। मोटी बात इतनी है कि क्योंकि मैं जीवन हूं, मैं उस जीवन को इस क्षण में जी रहा हूं कि नहीं जी रहा, मेरा उससे परिचय कितना है, ये महत्वपूर्ण है। नहीं तो विचार जो है वो कहीं ना कहीं इधर उधर डिस्ट्रैक्ट कर देता और फिर गड़बड़ हो जाता। इस चीज को थोड़ा सा मुझे लगता है कि हम दोबारा से इस विषय को चर्चा करेंगे और कुछ किसी विशेष विद्वान को भी बुलाएंगे ताकि वो हमें ये समझा सके कि ये जीवन का जो प्रत्यय है जो हम जानना चाह रहे हैं। और कई बार ये भी होता है कि स्थितियां परिस्थितियां वस्तुएं सामने होती हैं लेकिन हमें देखना नहीं आता या हम उसके उस पक्ष को नहीं देख पाते, आयामों से परिचित नहीं हो पाते। तो अपनी बुद्धि को और जो है वो क्या कहेंगे विनम्र करने के लिए किसी न किसी विद्वान की हम सहायता लेंगे। हाँ अशोक जी, मैं आपकी बात से सहमत होते हुए केवल याद दिला रहा हूँ आपको कि आइडियल और स्वधर्म में जब मैंने अपनी परिभाषाएं बनाई हुई जो मेरी अपने आप ही बनाई थी, मैंने सेकंड में मैंने यही लिखा था कि लिव इंटेलिजेंटली फॉलोइंग स्वधर्म। मैंने वहां आइडियलिज्म आइडियल की बात नहीं की थी। जी जी, वो शुरू की लाइन जो आपने कही थी ना उसके लिए। लेकिन ठीक है, मैंने कहीं पर भी आइडियल वर्ड ही नहीं यूज किया था। आइडियल लेकिन क्या है सर कि सामान्य बोलचाल में यदि हम किसी को कहें ना कि आप अपने स्वधर्म का पालन करें तो उसका बड़ा आजकल ना मिस इंटरप्रिटेशन होने लगा है। उसके लिए एक अलग से हमें वेबिनार करना होगा। वो अभी करेंगे जब हम इंडियन नॉलेज सिस्टम की डिक्शनरी की बात करेंगे ना, हैंडबुक जो है वो अभी जब शुरू करेंगे फिर उस पे वो चर्चाएं करेंगे। तो चलिए आज की चर्चा को हम यहीं पूर्ण करते हैं और मैं धन्यवाद करता हूं आप सभी लोगों का, आप सभी ने इसमें रुचि ली, अपने अपने विचारों से अवगत भी कराया और मेरी सहायता की कि इस जीवन तत्व को हम स्पर्श कर सकें, छू करके देख सकें। लेकिन आप लोगों से चर्चा करते करते जो मुझे ध्यान में आई बात वो यही है कि इस क्षण में मैं जो जीवित हूं यही जीवन का तात्पर्य है, यही उसका, लेकिन ये बोध नहीं हो पाता। वो कभी सांसों पे चला जाता है, कभी विचारों पे चला जाता है, कभी दूसरे की बात सुनने पे चला जाता है, वो स्थिर नहीं हो पाता, इसके ऊपर केंद्रित नहीं हो पाता क्योंकि दिस बॉडी इज ए पीस ऑफ लाइफ। तो आई मस्ट एक्नॉलेज दैट, लेकिन वही एक्नॉलेज करना नहीं आता, ये अपने आप में कहीं ना कहीं हम गड़बड़ कर जाते हैं। तो इस सारे विषय को दोबारा ठोस बनाने के लिए, स्पष्ट करने के लिए हम अपनी संवेदनशीलता को और अधिक मुखरित करें और फिर दोबारा इस विषय पर चर्चा करेंगे। ऋतु जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं या? बस मैं सर एक रिक्वेस्ट करना चाह रही हूँ कि एक कभी यज्ञ मीमांसा पर भी अगर आप अपना व्याख्यान प्रस्तुत करें तो बढ़िया रहेगा, जब भी आपके पास समय हो। चलिए जी जी, चलिए ले लेंगे इसको ना थोड़ा। और ये जो जीवन का आप बोल रहे हो, जीना ही मुश्किल हो गया है, इसके लिए भी कुछ ये अच्छी बात है। जीवन में जीना मुश्किल है। नहीं, आप ये देखिए, नहीं मतलब मुझे बताएं कि देखो हम लोगों के अभी तक देह रूप में हम लोग उपस्थित हैं, खाने पीने को मिल रहा है, मान इज्जत भी मिल रही है, फिर भी जीना मुश्किल हो रहा है। कितनी विडंबनात्मक बातें हम करते हैं, हमने भाषा का दुष्प्रयोग कर दिया, भाषा ठीक नहीं बोलते हम लोग, भाषा पढ़ते पढ़ाते हैं, प्रयोग करते हैं, लेकिन उस भाषा के प्रति हम सजग नहीं है।
और वो सजगता जो है वो हमारी चेतना पे प्रभाव डालती है, वो भाषा चेतना का वैसा ही रूप विकसित कर देती है। लेकिन चलो इन सारे तत्वों को हम देखेंगे बहुत जल्दी, दोबारा फिर किसी विषय को लेकर बात करेंगे। तो धन्यवाद। हाँ धन्यवाद सर। सर मैं भी चिंतन कर रही हूँ आजकल, एक पुस्तक लिख रही हूँ भगवान कहाँ है तू, है ना, तो उसमें मैं अलग अलग लाइफ के शेड देख रही हूँ, और जो तीन स्वतंत्रता से पहले गुलामी के टाइम पे और उसके बाद का, तो उस पे थोड़ा सा देख रही हूँ मैं कितना सफल हो पाऊंगी ये तो मुझे नहीं पता। नहीं आप सफल होंगे बिल्कुल बिल्कुल, आपका विचार और भाव और भाषा पे पूरा नियंत्रण है, तो आप जरूर सफल होंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। और जल्दी पूरा करें तो उसका ऑनलाइन विमोचन अगर हो सकेगा तो जरूर उसको करेंगे, आपकी सहमति होगी तो जरूर उसका करेंगे, चर्चा भी करेंगे उस पर। तो मैं धन्यवाद करता हूँ आज पवन जी हमारे साथ जुड़े हैं, और मैं चाहूंगा कि आप भविष्य में भी हमारे साथ इसी तरह जुड़ते रहें, और रविंद्र जी का, डॉक्टर शमशेर जी का, डॉक्टर ऋतु जी का, डॉक्टर देवदत्त जी, डॉक्टर इंदु शर्मा और डॉक्टर राजेश कुमार जी और डॉक्टर प्रवीण चौहान और डॉक्टर विवेक जी, और हमारे साथ जो पहले जुड़े थे डॉक्टर मधु, डॉक्टर परमजीत जी और भी कुछ सज्जन थे, वो सभी के प्रति मैं इंस्टीट्यूट ऑफ अप्लाइड संस्कृत शास्त्री नॉलेज और तत्वमसी फाउंडेशन की ओर से आप सबका धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। डॉक्टर पवन जी जो हैं वो तत्वमसी फाउंडेशन के डायरेक्टर हैं मुंबई में, और धीरे धीरे उसका वो क्षेत्र विस्तार करेंगे, और आप लोगों से भविष्य में, निकट भविष्य में उसके कार्यों की भी वो चर्चा करेंगे ताकि आप लोग उसके साथ जुड़ भी सकें। सर कोई फीडबैक फॉर्म है क्या? दूसरा सर कोई फीडबैक फॉर्म है अगर आप रिटर्न में दे देते हैं कि हम अटेंड किए हैं तो हम इसको कॉलेज में भी दे सकेंगे अपनी एक्टिविटीज में। आप इसको अपनी ओर से आयोजित कर लिया करें, सर्टिफिकेट आप इशू कर दिया करें आपके नाम से, ये तो कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरा ये है कि हमारा चला जाएगा, नेक में चला जाएगा। ओके, तो आपका नाम नहीं, ऐसे करते ना, आपका नाम इसमें ऐड अप कर दिया करूंगा, तो आप उसको अपने डिपार्टमेंटल एक्टिविटी में शो कर ले, वो कर लूंगा मैं, वो आपसे बात कर लेता जी। ठीक है जी जी, तो धन्यवाद, बहुत बहुत आभार सहयोग के लिए, थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच। शमशेर जी नमस्कार।